नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। ई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर निशाना। राहुल गांधी के इटली प्रवास पर उन्होंने निशाना साधा है। कांग्रेस एक तरफ अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है, तो वहीं शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी 9-2-11 हो गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने भी इस दौरान कांग्रेस पर तंज कसा है। तो एक तरफ कांग्रेस का स्थापना दिवस है आज, और दूसरी तरफ राहुल गांधी इटली प्रवास पर है। अब इसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह प्रतिक्रिया दी है कि एक तरफ कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस और दूसरी तरफ राहुल गांधी 9-2-11 हो रहे हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसा है। ये देखिए ट्वीट आपको दिखा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने ट्वीट करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तो राहुल गांधी इटली प्रवास के लिए रवाना हुए हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह तंज कसा कि राहुल गांधी 9-2-11 हो गए हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस का स्थापना दिवस से आज जगह जगह कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। 136वां स्थापना दिवस है और राहुल गांधी इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, वो इटली प्रवास पर। अब मुझे नहीं मालूम कि वो स्थापना दिवस है कि विसर्जन दिवस है। जिस हाल में ये है उससे लग रहा है कि विसर्जन दिवस भी हो सकता है आज, क्योंकि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब उनको भी रणछोड़दास तो कह नहीं सकते। किसानों की लड़ाई बीच में छोड़ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली चले गए नाना जी के। बचपन में हम भी जाते थे, लेकिन उम्र 55 की, दिल बचपन का, ये सिद्ध कर दिया। ओबामा जी जो कह रहे थे, उद्धव जी ने जो कहा, उनकी बातें सारी की सारी उनने सिद्ध कर दी राहुल बाबा ने। और अभी नाना जी के यहाँ चले गए, इससे आप समझिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक विदेशी ने की थी। विसर्जन है तो हो सकता है तर्पण इटली में होता हो,